ऑप्शन हमने आपका टीज़र देखा एल्फ वॉइसेस, सो उसके बारे में जरा बताइए, हमें बहुत पसंद आया। अर्थ वॉइसेस का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि इस पृथ्वी की जो आवाज़ें हैं, सिर्फ इंसान की आवाज़ नहीं, बाकी भी आवाज़ें हैं, सारी जीव जंतुओं की, उनकी आवाज़ भी सुन लीजिए इसके पहले कि वो शांत हो जाए। पिछले 30 सालों में हमने इस प्लैनेट का 50% वाइल्ड लाइफ को खो दिया है हमेशा के लिए। इसी से ये विचार मन में आया था कि इनके लिए भी कुछ बनाया जाए। देखिए, श्रेया घोषाल इंडिया की मशहूर और बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड गायिका है। उसके साथ मेरे बहुत सारे फिल्म के प्रसिद्ध गाने हैं एक साथ, लेकिन पहली बार मैं ऐसा कुछ करना चाह रहा था जिसमें भाषा की सीमा ना रहे, क्योंकि जब हम हिंदी में गाने करते हैं तो सिर्फ हिंदी स्पीकिंग कंट्रीज़ में और हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस तक वो बात सीमित रहती है। यहाँ पे एक हम बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, हम ग्लोबल एनिमल्स की बात कर रहे हैं, हम पूरे पृथ्वी की आवाज़ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम भाषा की सीमा के पार जाना चाह रहे थे, हम उस सीमा को लांघना चाह रहे थे। तो इसलिए मैंने पहली बार श्रेया की आवाज़ का एक अलग रंग यूज़ किया है, विच इज़ द ऑपरेटिक साइड ऑफ हर वॉइस। सो दिस एंटायर थिंग इज़ कम्पोज लाइक ए सिम्फनी, लाइक एन ओपेरा, जो पूरी दुनिया के हर ऑडियंस को, एवरी ऑडियंस विल अंडरस्टैंड इट, इट विल बी पैलेटेबल टू ऑल काइंड ऑफ पीपल, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, और हर एक देश की जनता को, आवाम को ये टीजर देख के और ये म्यूजिक सुन के पूरी बात समझ में आ जाएगी। सो व्हेन यू थॉट, जब आपको लगा इस तरह का आपको कुछ करना चाहिए, इसका आगाज किस तरह हुआ? देखिए, बचपन से ही मैं वाइल्ड लाइफ के लिए काम करता हूँ। मैं इंडियन गवर्नमेंट के लिए टाइगर सेंसस में हर साल जो है मेरी पोस्टिंग होती है बाघ गणना में। आई एम अ गवर्नमेंट बोनाफाइड टाइगर ट्रैकर। इस साल भी 2018 के टाइगर सेंसस में मेरी पोस्टिंग हुई थी पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, जिसमें पूरा इलाका दे दिया जाता है, जिसमें गिन के हमें बताना पड़ता है कि कितने बाघ हैं। तो वाइल्ड लाइफ के प्रति रुझान मेरा बचपन से ही रहा, और ये एक एक्सप्रेशन है एक म्यूजिशियन का, एक कंपोज़र का, एक सिंगर का, उसी दिशा में कि हम अपने म्यूज़िक से हमेशा प्रॉफिट की बातें, हमेशा बॉलीवुड की बातें, हमेशा कॉमर्स की बातें करते हैं और कमर्शियल चीज़ सोचते हैं, लेकिन क्यों ना म्यूज़िक की आवाज़ उन बेजुबानों के लिए भी यूज़ किया जाए जिनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता, जिनको मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, जिनकी ज़मीन, जिनके पानी पे हमारा कब्ज़ा बढ़ता जा रहा है, और हम कहते हैं कि वो हमारे घर में घुस आए हैं, दरअसल हम उनके घर में घुसते जा रहे हैं। देखिए, सीतावनी वाइल्ड लाइफ रिजर्व आज मशहूर है दुनिया भर में। मैंने जितना भी कमाया बॉलीवुड से, वो सारा मैंने किसी फिक्स सेविंग्स में, मतलब किसी घर में, किसी बिल्डर के फ्लैट में इन्वेस्ट नहीं किया। मैंने इन्वेस्ट किया था एक पहाड़ी पे, और वो पहाड़ी बंजर थी। बरसों तक वो बंजर पहाड़ी जो है उसको मैंने जंगल में परिवर्तित किया, और कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटा हुआ है ये। और आज से 3 साल पहले एक बाघिन ने आके बच्चे दे दिए मेरी ज़मीन पे। तो मैंने वहाँ पे जानवरों के पानी पीने के लिए अलग अलग वाटर बॉडीज़ बनाए हुए हैं, जहाँ पे 12 महीने पानी रहता है। तो छोटी सी पंछी से लेके बाघ तक सारे जानवर आके वहाँ पे पानी पीते हैं। मैंने 4000 पेड़ लगाए हैं। आज वो पूरी पहाड़ी जो है हरा भरा जंगल बन चुका है, जिसको दुनिया सीतावनी वाइल्ड लाइफ रिजर्व के नाम से जानती है। सो रियल लाइफ में देखा जाए तो आप किस तरह की लाइफ व्यतीत करते हैं, किस तरह की लाइफ जीते हैं और किस तरह की लाइफ जीना पसंद करते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि मैं कुदरत की एक आवाज़ हूँ, आई एम ऑल्सो एन अर्थ वॉइस। मैंने कुछ अच्छी मुद्दे वाली फिल्मों का म्यूज़िक किया, जैसे कि पान सिंह तोमर, साहेब बीवी और गैंगस्टर। हार्डकोर कमर्शियल फिल्मों का भी म्यूज़िक किया, जैसे कि वेलकम बैक। तो फिल्में तो मैं करता ही रहूँगा, क्योंकि म्यूज़िक मेरा एक्सप्रेशन है, लेकिन उसके अलावा देर इज़ अ लार्जर पिक्चर। मतलब मैं इस पृथ्वी में आया हूँ शायद उससे बड़ा कुछ करने के लिए। फिल्में तो रोज़ी रोटी चलती रहेगी, पर उन बेजुबानों की आवाज़ बनना मुझे अंदर से लगता है कि मेरा फ़र्ज़ है। मेरी आवाज़ उनकी आवाज़ है, और अगर भगवान ने या कुदरत ने सिर्फ इंसानों की सृष्टि की होती तो इस दुनिया में सिर्फ इंसान होते। लेकिन दुनिया में सिर्फ इंसान नहीं है, चींटी, पंछी, बाघ, हाथी, सब कुछ मिलाकर ये जो पूरी वेब ऑफ लाइफ है, सर्कल ऑफ लाइफ है, उसका हम एक रेशा है। तो हम एक रेशा है, हम पूरा वेब ऑफ लाइफ नहीं है। लेकिन हमारी जो गतिविधियाँ रही हैं पिछले 100 सालों में, जिसमें हमने पूरे प्लैनेट को टकला कर दिया, उसका फल भुगतना पड़ेगा।
सो इंडस्ट्री में देखा जाए तो बहुत से एक्टर्स हैं जो अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं और उनसे कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं जी। तो आप कोई बॉलीवुड के जो अदर सेलिब्रिटीज हैं या एक्टर्स हैं जो इसमें कुछ अच्छा काम कर सकते हैं उसके लिए क्या कहना चाहेंगे या किस तरह उनको तत्पर करेंगे करने के लिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत हमारा जो देश है वो दुनिया में शानदार वाइल्ड लाइफ के लिए मिसाल है। ज़्यादातर लोगों को शायद ये पता ना हो कि अधिकतर देशों के पास चूहा और लोमड़ी छोड़ के उससे बड़ा कोई जानवर बचा ही नहीं, सबको इंसानों ने मार दिया। दैट अप्लाइज टू मोस्ट ऑफ यूरोप। अब हमारा देश देखिए, वी हैव टाइगर, लेपर्ड, एलिफेंट, राइनो, लायन, वुल्फ, वाइल्ड डॉग, 3 species ऑफ बेयर्स, यू नेम इट वी हैव इट। अब किसी भी जानवर का नाम लीजिए हमारे पास वो जानवर है। हमारे पास 1300 प्रजाति की पंछियां हैं। लेकिन जितना ध्यान हमारा इस तरफ होना चाहिए अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है। हम सिर्फ कल्चरल डाइवर्सिटी की बात करते हैं, हम सिर्फ ताजमहल और हमारे यू नो हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स की बात करते हैं। जो लिविंग चीज़ें हैं, जो लिविंग गणेशा है, उसकी बात हम नहीं करते। हम एक आइडल की पूजा ज़रूर करेंगे, लेकिन जो भारत के इतने सारे वाइल्ड एलिफेंट्स हैं जिनकी हालत आज बहुत ख़राब है, जिनके कॉरिडोर्स ख़त्म हो रहे हैं, उनकी बात हम नहीं करते। तो मेरा अर्थ वॉइसेस से मेरी ये आशा है और मेरी ये चेष्टा है कि मैं भारत के आवाम को इस तरफ थोड़ा उनका ध्यान आकर्षित करूँ, उनको कहूँ ये कि आपके पास वो ख़जाना है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, क्यों ना आप इस देश को ऐसा बनाएं कि लोग दूर दूर से देखने आए कि हमारे पास क्या है। क्योंकि जंगल और जानवर अगर विलुप्त हो जाए अब उसको वापस नहीं ला सकते। किसी बिल्डिंग पे, बहुत बड़े बिल्डिंग पे भी अगर बम गिर जाए उसका आप रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक स्पीशीज़ जो एक्सटिंक्ट हो जाती है हमेशा के लिए, जैसे इंडियन चीता इज एक्सटिंक्ट, विलुप्त हो चुका है, उसको आप वापस नहीं ला सकते। सो हमारे पास बहुत कम वक्त बचा हुआ है। वी हैव वेरी लिटिल टाइम टू लिसन टू द अर्थ वॉइसेस, लेट्स हियर देम बिफोर दे आर गॉन। सो अगर फिल्मों की बात करें, बहुत सी फिल्मों में आपने कंपोज किए, गाने दिए, तो उसके एक्सपीरियंस के बारे में हमें शेयर करें। देखिए, मुझे इस इंडस्ट्री में लाने वाले शख्स है गुलजार साहब। जब मैं बहुत कच्ची उम्र का था तो गुलजार साहब से मेरी मुलाकात हुई थी एक एयरपोर्ट में, और उन दिनों में ऑडियो कैसेट्स का युग था, तो मैंने छोटे से ऑडियो कैसेट में अपनी कुछ धुनें रखी हुई थी, वो मैंने अपने भोलेपन में उनको सौंप दिया और कहा कि गुलजार साहब, मुझे पता है कि आप बरगद है, मेरे सामने कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ आपके सामने, मैं छोटा सा नन्हा सा पौधा हूँ, लेकिन फिर भी मेरी कुछ धुनें इसमें हैं, अगर आपको पसंद आए। तो मैंने उनको वो सौंप दिया था, और वहाँ से मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी ने एक अलग रुख लिया, क्योंकि उनकी ऑफिस से मुझे फ़ोन आया 3 दिन बाद ये कहते हुए कि गुलजार साहब को मेरी रचनाएं अच्छी लगी। तो मेरे लिए ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था वो, और हमने बहुत सारे नामचीन एल्बम्स का काम एक साथ किया। और हालांकि पिछले साल मिर्ची म्यूज़िक अवार्ड में मेरे 2 nominations थे, जिसमें एक गाना मेरा गुलजार साहब के साथ था और दूसरा गाना सोनू निगम और श्रेया घोषाल के साथ था। दूसरा गाना जीता और एक गाना नॉमिनेटेड हुआ, तो उनका बहुत बड़ा इसमें एक रोल रहा है। उसके बाद मैंने काम शुरू किया था हासिल नाम की एक फिल्म से, तब मैं पढ़ाई भी करता था। फिर शागिर्द तिग्मांशु के लिए मैंने बहुत सारी फिल्मों का म्यूज़िक किया, शागिर्द, साहेब बीवी और गैंगस्टर, पान सिंह तोमर, अनीस भाई के लिए मैंने एक अलग एकदम अलग सिरे का म्यूज़िक किया, थीम सॉन्ग किया वेलकम बैक जैसा अतरंगी फिल्म के लिए। तो सुधीर मिश्रा साहब के लिए मैंने ये सारी ज़िंदगी में कुछ काम किया। तो अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ अलग अलग तरह की स्कूल्स ऑफ सिनेमा में काम करना मुझे अच्छा लगता है। इसलिए आप देखेंगे कि मैं अपने आप को सीमित नहीं रखता हूँ एक पर्टिकुलर स्कूल ऑफ सिनेमा में। मुझे लगता है कि हर एक सिनेमा का अपना रंग है और अपना अलग कल्चर है, और उसमें घुस के म्यूज़िक करना एक चैलेंज है जो मुझे अच्छा लगता है। सो अगर बात की जाए ओल्ड गुलजार साहब की, जो कि बहुत नामी और बहुत बड़े, मतलब उनकी मिसाल है एक तरह से, आज नए भी सिंगर्स आ रहे हैं, करेक्ट, अरिजीत अमन, करेक्ट। सो क्या डिफरेंस देखते हैं आप? एक डिफरेंस मुझे दिखता है, उसका कारण क्या है मुझे नहीं पता। एक होते लंबे रेस के घोड़े और एक होते 100 meter रेस के घोड़े। ज़्यादातर आर्टिस्ट आज के मुझे बहुत छोटे रेस के घोड़े लगते हैं। इसमें आर्टिस्ट का शायद कोई दोष नहीं हो, शायद सिस्टम का दोष है कि कोई भी ब्रांड आज के डेट में 1.5-2 साल 3 साल से ज़्यादा टिक नहीं पाता है। लोग आते हैं, काम करते हैं, गायब हो जाते हैं।
लेकिन जो कलाकार उस दौर के थे उनका मिसाल ये रहा है कि हो सकता है उन्होंने हिट दिया हो सकता है फ्लॉप दिया हो, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि वो टिके रहे, और टिके रहना एक बहुत बड़ी बात है। अब बहुत से ऐसे टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं जिनकी आवाज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, और आई थिंक अरिजीत इज़ अ वेरी टैलेंटेड एंड वेरी प्रोलिफिक वॉइस, और लोग उसकी आवाज़ को एक ही ढांचे में यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है उसकी आवाज़ में वो जान है कि जिसको एकदम पलट के एकदम अलग दिशा में भी लिया जा सकता है, उसमें वो काबिलियत है। सो अगर इसकी बात हो रही है तो रिसेंटली एक सलमान का भी केस हो गया था जो ब्लैक बर्ड के चक्कर में, आप वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए तो उसके बारे में आपका क्या टेक है? देखिए ये क्वेश्चन जो है ये अवॉइडेबल क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन से ये होगा कि बहुत सारी बातें निकलेगी, सो आई डोंट वांट टू रियली गेट इनटू दिस क्वेश्चन। सो अपने लहजे के बारे में बताइए, आपकी टी शर्ट पे टाइगर, सो जरा हमें इसके बारे में ब्रीफ करिए जरा। देखिए मैं इंसानों का बनाया हुआ मूर्ति भगवान ये सब नहीं मानता हूँ कभी भी। मुझे लगता है कुदरत ने इंसान को बनाया, इंसान ने भगवान को बनाया, मैं इस विचारधारा का इंसान हूँ। हर एक प्राणी में भगवान जो है वो बसते हैं, हर एक प्राणी में सृष्टि है, और टाइगर इसलिए मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मायने रखता है क्योंकि टाइगर एक ऐसी प्राणी है जिसके नंबर से हम ये कह सकते हैं कि हमारी हवा कितनी शुद्ध है, हमारे पास कितना पानी है, हमारी मॉनसून साइकिल कैसी है, इस सारी चीज़ों का एक संकेत, एक आसार, एक इंडिकेटर टाइगर है इंडिया के लिए। क्यों? क्योंकि भारतवर्ष के 80% नदियाँ जो निकलती हैं वो टाइगर फॉरेस्ट से निकलती हैं। आपको पता है नदियों के पूरी दुनिया में दो ही सोर्स है, या तो बर्फीले पहाड़ या घने जंगल, कोई तीसरा सोर्स नहीं नदियों का, और हमारा और आपका हमारा पूरा सर्वाइवल नदियों पे आधारित है, एग्रीकल्चर, वाटर, नो वाटर नो लाइफ। सारी नदियां जो है वो निकल रही है घने जंगलों से, और उस जंगल का रखवाला कौन है? टाइगर है। तो टाइगर नंबर क्यों सिग्निफिकेंट है? इसलिए नहीं कि वो नेशनल एनिमल है, इसलिए क्योंकि वो हमारे स्वच्छ वायु, स्वच्छ पर्यावरण और पानी का रखवाला है। क्योंकि हमारा बस चले तो हम सारे जंगल काट दें, सब बिल्डर्स को दे दें, हर जगह माइनर्स को घुसा दें, हर जगह बिल्डिंग खड़ी कर दें, लेकिन उसके बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी की क्या पोजीशन होगी उसके बारे में हम नहीं सोचते। तो टाइगर इसलिए मेरे सीने पे है क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ा भगवान ये है। सो आपके सॉन्ग के साथ लोगों को, लोग तत्पर होंगे अपने नेचर को लेकर, सो लास्टली क्या कहना चाहेंगे अपने ऑडियंस के लिए, अपने फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि IPL और बॉलीवुड से भी बड़ी कुछ चीज़ें हैं भारतवर्ष में, उसके तरफ भी आप थोड़ा ध्यान दें। हमारे पास टाइगर, हाथी, राइनो, भालू, लायन, लेपर्ड, वुल्फ, 1300 प्रजाति की पंछियाँ, ये सारे जानवर हमारे देश में पाए जाते हैं, बाकी दुनिया के पास ये चीज़ें नहीं है। ये खजाना है, एक अनमोल रत्न है, इसकी तरफ भी थोड़ा ध्यान दें, इसमें भी बहुत बड़ा मज़ा है, सुकून है, इंटरेस्ट है। मैं ये कहना चाहूँगा कि कभी कभी इनके बारे में भी सोचिए और इनकी आवाज़ें भी सुनिए इसके पहले कि ये चुप हो जाए।